चलो जी गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। बारिश हो रही है वरना बारिश 5 मिनट यहाँ पे बैठ। हाँ घर जाने से पहले हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे मैकआर्थर ग्लेन डिजाइनर आउटलेट पे। आज है चेकआउट का दिन और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही है और हम लोग जा रहे हैं हॉट टब में क्योंकि कल हम लोग गए नहीं है और मैंने कहा आज थोड़ा रेडी है हॉट टब सुबह सुबह तो हम लोग चलते हैं और अभी और जूही जब उठेंगे वो आ जाएंगे। अच्छा बौछार पड़ रही है, ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, बुछार पड़ रही है लेकिन बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। कल रात हवा नहीं थी, मैंने कल रात विंडो भी खोल की। अच्छा क्योंकि यार प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ही गर्म ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी हीटिंग बहुत तगड़ी लगी हुई है। तो बट अच्छा है यार सुबह सुबह यहाँ पे उठ के ऐसे बाहर अच्छा लग रहा है। अभी चाय पियेंगे, चाय पियेंगे बैठ के आराम से, यहाँ पे चाय पियेंगे, बाहर कहाँ बैठेंगे यार ठंड बहुत है। बुछार रुक तो करते हैं बंद और आपको लेके चलते हैं हॉट टब के पास। गाड़ी में से सामान निकाल लो, ये देखो ऐसे ना, ये वाला हमारा है लेकिन ये डोर इन्होंने बंद किया हुआ है और ये पूरा वहां तक स्विमिंग पूल और हॉट टब है। चलो जी वाओ, ये रहा अपना जकूजी और इसको अभी ऑन कर देता हूँ, पूल भी सेट है अपना। चलो फिर बैठते हैं बस। हम अभी गरम गरम बाहर निकले हैं, सबके अंदर से धुएं निकल रहे हैं। आज फिर भी ठंड कम है लेकिन बारिश हो रही है, बट वैसे तो ठंड बहुत है यार। ओहो, अब बस रेडी होते हैं और पाव भाजी खाएंगे भाई। पाव भाजी खाएंगे, ब्रेकफास्ट हमारे पास सब बना लिया है। हमारे दिमाग में बस खाने का ही रहता है, रात में खाएंगे सुबह खाएंगे, चाय के साथ पाव भाजी है आज नाश्ते में। यहाँ पर बन रही है भाजी, भाजी के साथ पाव। कुछ भी कहो खाना हमारा आलिशान होता है, चाहे कहीं पर भी जाए खाना हमारा बढ़िया होता है हमारा। लेट हो रही है, हमें निकलना हो लेकिन खाना तगड़ा होना चाहिए। ये नहीं है भाई कुछ भी, अंदर हम किसी और को कुछ कह देंगे कोई बात नहीं। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो हो चुका है, एकदम हर दिन हर मील हमारी एकदम लाविश हुई है और हमने फटाफट ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। एयरबीएनबी में वैसे क्लीनिंग फी लगती है बट मुझे ऐसे लगता है कि कर्टेसी सेक आपको थोड़ा बहुत टाइडी अप करके जाना चाहिए। बिल्कुल तो आप साफ नहीं कर सकते जैसे आपको मिला है, बट मैं कह सकता जो आ रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा देखने में अगर हम बहुत ही ज्यादा मैस छोड़ के जाएंगे। तो हमने डिशवॉशर सारा लोड कर दिया है, ये सारा कुछ अच्छे से साफ कर दिया और बाकी शी कैन जस्ट कम एंड लाइक सेट एवरीथिंग। हां बाकी बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश है आज, तो आज हमारा कुछ प्लान है नहीं ज्यादा, सीधा घर के लिए निकल रहे हैं। बारिश हो रही है तो दो दिन हमें बढ़िया वेदर मिल गया और आज जाना है वापस तो बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से चलते हैं। तो एक बार ना थोड़ा सा लेक देखूंगी मैं पानी। नहीं यार ये एरिया भी काफी अच्छा था, ये बैठने का एरिया पूरा। चलो जी गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है, बारिश हो रही है वरना 5 मिनट यहाँ पे बैठ सकते थे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाय बाय आ जाओ। फिलहाल हो इसको जितना मर्जी बारिश में भी खेल लेगी है। चलो 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 आओ पकड़ लो मासी खा, चलो भाई चलो जी। ओके चले, यस रेडी, कैसा रहा फिर ट्रिप? इट वाज वेरी नाइस। चले बेबी Thank you.
घर जाने से पहले हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे मैकआर्थर ग्लेन डिजाइनर आउटलेट पे, और सोचा थोड़ी फायदा उठाते हैं, वरना ये 1.5 घंटा दूर है हमारे घर से, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। दोनों बच्चों ने शूज ले लिए, एक इसने भी ले, मासी ने जूते लिए। ये आर्या के शूज है, छोटे से क्यूट से। हाँ। और अभी ने भी अपने ले लिए प्यूमा के। आज अभी कह रही है मेरे को जैकेट दिलाएगी कोई बढ़िया सी। हाँ। है बेबी जैकेट है ही नहीं आपके पास, फिर वो येलो जैकेट पहन लेते हो कोई पहचान लेता है ये येलो जैकेट गौरव वाली है नहीं देखते गेस्ट पे अगर कोई मिल जाए तो पुलिस गेस्ट पे देखते हैं, लास्ट टाइम पसंद आई थी गेस्ट पे, अगर कोई डिस्काउंट मिला तो यहाँ से ले लेंगे। है कोई कुछ खास ना दिखता नहीं, एक तो ये मोटी मोटी जैकेट मेरे को पसंद नहीं है, लेने मेल जैकेट आया था यहाँ पे देख अपने बैग लिया मैंने कहा मैं अपनी जैकेट देखूंगा यहाँ पे आते ही पहले बैग्स बना चाहिए। फाइनली इस लड़के को कुछ पसंद आ गया है, इसको एक तो पसंद करवाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभार। नहीं सही लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी देखते ही, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। हाँ और मैंने भी एक हुडी ली है, एक बार दिखाना दोनों ने। ये रही और मेरी हुडी ये है, मुझे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगी। चलो हाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हो गई है प्यूमा से और सुपर ड्राई से, बढ़िया सेल पे हमें दो हुडी मिल गई 60 पाउंड की, बहुत सही है यार, है ना सही है रेट है। कुछ खाते हैं अब, और हुडीज यहाँ पे डली जाती है। हाँ आओ, जैकेट नहीं मिली लेकिन इसकी जैकेट लेनी है यार, ढंग की जैकेट लेनी है। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग कर ली है लेकिन मुझे एक जैकेट लेनी है जो कि बहुत ही अच्छी जैकेट होनी चाहिए, जो मिल ली है। क्योंकि यार अभी सेल, अब तभी तो सेल लगी है ना जैकेट पे, मुझे फुल प्राइस लेनी है। बॉस पे देख लेते हैं। आज हम सोच रहे हैं सामने ग्रीक स्टाइल कुछ यहाँ पे फूड है, रैप है इनके पास, ग्रीक फूड ट्राई करते हैं आज। और सामने कॉफी ले लिया यहाँ से, 200 कॉफी से अच्छी है ना, 200 कॉफी इसका वो है, 200 डिग्री अच्छा सॉरी कौन सा रैप है भाई दिखाओ, चिकन रैप अच्छा सा ही लग रहा है, अच्छा है ना, कुछ भरवा है, ग्रीक स्टाइल है कुछ, वाह सही लग रहा है, भरवा रैप शॉपिंग कर लिया थोड़ी सी, बस अब घर को निकल रहे हैं यहाँ से, अभी 1 घंटा लग जाएगा घर जाने में, चले फिर चलो लेट्स गो फाइनल शॉपिंग हुई है सबसे यार, ऐसे बदनाम मत करो मेरा, 3 घंटे में इतने जैकेट है, सुपर ड्राई हुडी यार, प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ना चीजें मिलती नहीं है कहीं पर, और जहाँ मिलती है फिर हम ले लेते हैं, मिल जाओ तो ले, समर सारी टी शर्ट वी शर्ट चाहिए थी यार, फिर जगह अच्छी है, जगह सही है, जगह अच्छी है और डिस्काउंट पे मिल जाती है चाहिए। चलो कुछ कुछ लिया ही नहीं यार, मैंने ट्रिप पे लिया बहुत कुछ, आर्या तक का आ गया, आर्या आर्या के शूज आ गए, मैंने ट्रिप पे आने से पहले बहुत कुछ लिया। अच्छा तो फाइनली बैक होम, और कितने 6 बज रहे हैं क्योंकि 1 घंटा हमारा जो है वो आगे हो गया ना, तो 6 बज रहे हैं और घर आ चुके हैं, और अब बस रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं, रास्ते में रुक गए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि शॉपिंग भी जरूरी होती है, मेरा सामान आ गया अभी का तो कुछ आया नहीं है, अभी बैठी हुई है रेस्ट कर रही है, फिलहाल बहुत सारी वीडियोस हो गई है, अब इसको एडिट करना पड़ेगा सारा, तो काम पे लगना पड़ेगा, और होपफुली आपको जो हमारी ये टिक डिस्ट्रिक्ट वाली जो ट्रिप है, जो भी आइटनरी हमने आपको बताई है, जो भी चीजें हमने आपको दिखाई है वो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियोस आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर।